What's up, beautiful people? Welcome to Siblings Reaction. आज हम जिस सॉन्ग पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है MC Stain का सॉन्ग आमिन, जिसको अभी तक 9.5 मिलियन व्यू मिल चुके हैं और ये 17 दिसंबर 2020 को रिलीज हुआ था। और रिसेंटली कमेंट सेक्शन में मुझे MC Stain के बारे में बहुत ज्यादा वो आ रही थी कि इन पे रिएक्ट करो। सो एक हमारे सब्सक्राइबर ने लिखा था कि आमिन एक सॉन्ग है उस पर रिएक्ट करो। सो गाइज हम इस पर रेड करने वाले हैं और फॉर फर्स्ट टाइम मैं MC Stain को सुनने वाला हूँ। 9 mm में उनने वो किया था, अंजुम ने शाउट आउट दिया था बिल्कुल। सो देखते हैं कैसा गाता है, बिकॉज अंजुम ने इसे शाउट आउट दिया तो इसमें कुछ बात होगी। सो लेट्स वॉच द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। बोलती तेरे हाल देखा तेरे गंदे बाल देख और अंदर जा रहे गाल देख और काले हो रहे होठ देखा क्यों तू ऐसा हो रहा देखा टैटू सरे हाथ पे रहे चल दे अपने जात में रिश्तेदारों के बात में फिर मेरे लोगों के साथ में आने वाला ऊपर मेरे साथ में मेरे अमल मेरे साथ में मेरे जात में वो सब नहीं चलता जो हिप हॉप में चलता फिर पन में करता अमीर लोग के बाथरूम कितना उतना मेरा घर था वो छोटा सा घर था मैं रिक्शा में सोता हटाई की बात नहीं मैं खुद को देख के रोता मैंने बोल डाला जो था मैं फील कर सकता गरीब नहीं ले सकता टिकट मेरे शो का इसलिए टिकट फेंकू शो का रोज रखू रोजा एक साल तक सोचा खुद को परोसा भरोसा मैं हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा ब्रेव माय हेड ब्रेव माय होमी पूछ मत क्या सिंजस है आमीन सबर कर कबर भर अभी तो स्टार्टिंग पूछ मत क्या सिंजस है आमीन मेरे होमी की कैसे करूँ जामिन I'm climbing this house of planning सुबह उठ के सुनने मिल रहा एम्बुलेंस का सारेन किसका तो बन बाप गज का किसकी तो भी माँ बहन इस कॉल पे माँ बहन छुपाते माँ बहन और दूसरे की माँ बहन fuck you man go home take your ass तूने सुबह उठ के सन देखा मैंने सुबह उठ के गन देखा बन देखा मन देखा कटरा में जेल देखा स्कूल टाइम में फेम देखा सबको सेम देखा यहाँ तक कि सबका एक एक मेल देखा लड़की लोग का सेल देखा खोजा मत मैंने चिल में लिखा पब्लिक बोली करके दिखा चल के दिखा फोटो ले आज फिर 4 साल बाद सबको दिखा सबको दिखा सबको दिखा लेकिन भागते तुम सच से मेरे को पसंद सच मैं बोलता हक से दिख रहा मैं कब से दुआ मांग रब से गुस्सा तुम बच्चे जैसे आमिन आज के बाद से फैन मेरा रहेगा तो आज के बाद से माँ बाप को मानते अपन आज के बाद से भूल कैसा सकता तू माँ के हाथ से आज के बाद से बात मत कर आज के बाद से डबल डेट मत कर तू आज के बाद से कर्मा गोना फक यू आज के बाद से खुद का ख्याल रख तू आज के बाद से पिल नहीं खाने वाला आज के बाद से जेनेक्स मेरे पास में ना मुंह में कैसे बात करूंगी तुम जिंदा लाश से मार डालू तो तेरे मुंह पे खास के ब्रा एक लास्टिक बात एक आमेन आमीन हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा ब्रेव माय हेड ब्रेव माय होमी पूछ मत क्या सिंजस है आमीन सबर कर कबर भर अभी तो स्टार्टिंग पूछ मत क्या सिंजस है आमीन changes can't trust money in my main purse why you so lame cause who came first remember paisa aaya december so simple be humble 2020 shall be humble fuck mumble yaad aata snoop uncle big that shit i'm gonna spit that shit khud se main pareshan bhag ke jao kidhar सिगरेट जलाए मैंने इधर पब्लिक जल रही ले उधर बुरका फुल टाइट जिसमें दिख रहा तेरा फिगर कुरान में जिक्र सब बुक जरा डिप पर एसिड विसिड खा जरा दुनिया पे ट्रिप कर इंसान की ट्रिप कर बीटी से सीख कर आयला में लिख कर बैठे ला शांति से
दीवाने मेरे बात कर रहे, इंसान है खुद जाते तुम लोग क्या बात कर रहे, मजबूरी में चोर बन रहे, किसके कई को पैर पड़ रहे, बात मेरी होती सच इसलिए मेरी केयर कर रहे, पुलिस के पेड़ बढ़ रहे, बोले हम लोग चेंज कर रहे पर अपन इनको क्यों नहीं चेंज कर रहे, सेम कपड़े सेम लफड़े, हुड को अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग आगे क्यों बढ़ रहे, डर करे कि मेरी कोई लड़की जैसा क्यों झड़ रहे, अच्छा करने गए तो किसका पीछे से मींस बन रहे, नापकी में गुसल कर रहे, शैतान नमाज पढ़ रहे, फरिश्ते रोते रहेंगे ऊपर, इंसान ये क्या कर रहे, अपनी हद पार कर रहे, तड़ी पर हो गए फेरी टेल, डोंट गो एनीवेयर, डरता मैं मरने से, सोचता ना क्या होगा मरने पे, आमीन, हर मेरे सेंटेंस के एंड में बोला मेरा प्रे फॉर माय हेड, प्रे फॉर माय होमी, पूछ मत क्या हासिल जैसे आमीन, सबर कर कबर भर अभी तो स्टार्टिंग, पूछ मत क्या हासिल जैसे आमीन, बस भरोसा किस पे नहीं मांगते मेरे को, दस एक होमी बस आमीन मात्र, शो मी यू नो मी, शो मी सम लव, दिखाएंगे कब सिर्फ चल रहे लालक, यू डोंट गिव अ फक, तेरा प्यार तेरे पास रख, आई एम रनिंग टू हाउ, लॉकडाउन में करूं मैं शो, पांचों कल में पढ़ के सॉफ्ट कोर्स नो फोर्स, बट मेरे को हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता, किसको तो मानता है, व्हाट अबाउट जनता, देखो फैंस के मैं कर करता, लेकिन मैं खुद ऊपर वाले का पंगा डूं, मेरा फेवर मेरी माइक पे लिल विल बजा, सो गाइज दिस इज़ दी सॉन्ग, यार काफ़ी डिफरेंट सॉन्ग था जो एमसी स्टेन ने आमीन सॉन्ग गाया है, लाइक इसने अपनी लाइफ के बारे में इसमें बात की, अपनी माँ के बारे में बात की है, और क्वेश्चन आंसर हुए हैं, और इसके अलावा इसने इसमें रिलीजन के बारे में बहुत कुछ बोला है, और लोगों को एडवाइसेस भी दिए अपने फैंस के लिए, बहुत कुछ बोला है। सो वर्स वाइज आते हैं, बिकॉज ये एमसी स्टेन मुझे बहुत ही डिफरेंट किस्म के रैपर्स लगे हैं, हमने बहुत से मतलब कृष्णा पे भी इवन रिएक्ट किया है, रफ्तार पे किया है, यंगस्टर्स पे किया है, और जानी वगैरह पे किया है, लेकिन उनके मतलब उनका इसका रैप बिल्कुल चेंज है उनसे। सो फर्स्ट वर्स में यार ये कहते हैं अपनी माँ के बारे में बोलते हैं कि मेरी माँ मुझे एक दिन इसी तरह स्टार्ट किया था कि क्वेश्चन करती हैं कि यार तुमने अपना क्या हाल बना दिया है, और तुम्हारे जिसम पे टैटू हैं, और मतलब स्किन भी तुम्हारी खराब हो रही है, सब कुछ। सो ये चीज हमारे रिलीजन में नहीं है, जैसे वो बात की टैटू की बात की थी, तो इस पे ये इस पे एमसी स्टेन ने इसको आंसर दिया था कि मेरे साथ मेरे अमाल ऊपर जाएंगे, ये लोगों की मतलब, क्योंकि इनकी माँ ने बोला था कि रिश्तेदार भी ये बातें करते हैं कि तुमने अपनी क्या हालत बनाई है, जिसपे इन्होंने बोला था कि मेरे लिए लोग मैटर नहीं करते, मैं सिर्फ अपने अमाल अपने साथ लेकर जाऊंगा। और इवन इसने उसी वर्ष में एक और बात की थी अपने घर के बारे में, बात की थी कि हमारा घर बहुत ही छोटा हुआ करता था, इसने एक रेफरेंस यूज किया कि अमीरों के जो बाथरूम है उनकी जितना हमारा घर होता था, और इवन मैं एक दिन रिक्शे में भी सोया हूँ। सो इसने अपनी लाइफ के बारे में बता दिया कि मैं हम किधर थे मतलब अपनी ही उम्र में, और उसके अलावा इसने उसके बारे में भी बोला कि रोजा मतलब हम लोग इतने भूखे होते थे कि हमारे लिए इस तरह लगता था जैसे हम लोग रोज रोजा रखते हैं। हाँ, तो इसने वो रोजे का रेफरेंस भी काफी अच्छे तरीके से यूज किया है। सो फर्स्ट वर्स मुझे यही लगता है कि जैसे उसने अपनी लाइफ के बारे में मतलब जो क्वेश्चंस करते थे, जैसे रैपर्स होते हैं ना, जैसे मोस्टली करते हैं कि तुम करते क्या हो, सोसाइटी का प्रेशर, माँ बाप क्या करते हैं, और इसके अलावा वो करते हैं, हालात इनके सही नहीं होते। सो उसी तरह इनकी लाइफ भी मुझे उसी की तरह ही लगती है। और इसके बाद जो हुक लाइंस थे वो भी काफी ज्यादा फिट थी, क्योंकि इसने इवन ये हुक लाइंस में ये बोला है कि इवन आई प्रे फॉर माय हेटर्स एंड फॉर माय होमीज, वो काफी फिट, और सबर कर कब्र पर अभी तो स्टार्टिंग है, ये भी इसने काफी बहुत ज्यादा फिट लाइन थी। इसके बाद एक और लाइन थी जिसमें एमसी ने बोला था कि मतलब बाकी लोगों के बारे में बोला था कि वो अपनी माँ बहन को छुपाते हैं, और दूसरी की माँ बहन मतलब क्वेश्चन मार्क डाला था ना कि दूसरे लोगों के माँ बहन के बारे में नहीं ख्याल कर, अपने माँ बाप के बारे में ख्याल करते हैं लेकिन लोगों के बारे में नहीं करते। और उसके अलावा इसने ये भी बहुत अच्छी बोला था कि तूने सुबह उठ के देखा सन और मैंने देखा गन, ये भी बहुत फिट लाइन। उसके बाद यार इसी लाइन के नीचे एक और लाइन थी जैसे 18 साल की उम्र में मैं जेल जा चुका हूँ और स्कूल के टाइम से ही मैं फेमस था। सो ये 18 साल की उम्र में अगर जेल जा चुके हैं तो ये तो काफी यंग है, और ये रिसेंटली कोई वाकया होगा। अगर इनके जितने भी मतलब फैंस हमें देख रहे हैं तो हमें जरूर कमेंट में बताएं कि क्या सीन हुआ था, क्या हुआ था कि ये जेल गए थे। और इसके अलावा इन्होंने लिखा कि मैंने जेल में कुजामत एक शायद रैप सॉन्ग है वो भी लिखा था, इन्हें उसका जिक्र भी किया यहाँ पे। और बिल्कुल ही कुजामन के बाद वो कहते हैं पब्लिक क्या बोलती, सो तो एमी वे का स्टाइल है, पता नहीं कि एमी वे के उनके लिए सॉन्ग लिखा था ऐसा। हाँ, कि क्या सीन है उसका और क्या रेफरेंस है, ये इनके बारे में जरूर बताएं गाइस।
और उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि अपने फैंस के लिए उन्होंने बोला है कि उनके लिए कुछ एडवाइसेस दिए हैं कि वो अपने माँ बाप का, मतलब आज के बाद उन्होंने हर एक लाइन पे ये राइम यूज़ किया कि आज के बाद अपने माँ बाप को, मतलब अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करना। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि अपने रिलेशनशिप्स में फेथफुल रहना, और उसके अलावा ये भी था कि ड्रग्स कभी नहीं यूज करने, दूर रहना। सो एक किस्म का यार रैप में बहुत ज्यादा चीजें बता दी है, क्योंकि 6 मिनट से ऊपर रैप तो बहुत ही बड़ा था, सो दैट्स व्हाई मुझे ना, मतलब काफी बहुत ज्यादा फिट मैसेज था। और फिर उसके बाद उसने फिर से रिलीजन के बारे में बोला था कि लोग रिलीजियस, मतलब रिलीजियस टीचिंग्स होती हैं उन पर अमल नहीं करते, लेकिन लोगों को बोलते हैं कि हर काम रिलीजियसली करो और इस तरीके से करो, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। और बिल्कुल, मतलब एक किस्म की वही बात हुई ना कि इसने पहले सोसाइटी की बात कर दी, लाइक लोगों का जो प्रेशर होता है ये काम करो वो काम करो, लेकिन लोग खुद फॉलो नहीं करते। तो इसने एक ऊपर एक वर्स में एक लाइन यूज की थी, मैं अपने अमाल के साथ ऊपर जाऊंगा, सो वो चीज यहाँ पर काफी फिट बैठती है। या लास्ट वर्स जो उसने जैसे एंड किया है और जो लाइंस उसने बोले हैं वो बहुत ही ज्यादा फिट थी, लाइक उसने हर एक चीज के बारे में बात कर दी। इवन लास्ट वर्स में उसने अपने हैटर्स के बारे में बात करनी रहती थी, वो उसने की है कि उसने एक किस्म का रेफरेंस यूज किया अपने हैटर्स को, इवल बोला है, और वे बोला है कि मैं आयत कुर्सी पढ़ता हूँ ताकि मुझसे दूर हट जाए, ये चीज काफी फिट थी। और उसके अलावा जो इसकी वीडियो जिस तरह लास्ट में थी ना कि जिसमें इसकी सोल ऊपर जाती है, उसके लिहाज से उसने वो लिरिक्स भी उसी तरह लिखी है अपनी। इसने बोला है कि मैं अपनी फैंस का, मतलब मैं ऊपर वाले का खुद ही इतना बड़ा फैन हूँ और अपनी फैंस का मैं केयर करता हूँ। और उसके अलावा लास्ट लाइन में ये भी बोला है कि मेरी मियत पर एक फनरल, एक शायद एल्बम है उसके बारे में बोला है कि वो लगा देना। सो फनरल आई गेस ये इसकी फैन फॉलोइंग होगी, मतलब जो सिंगर है लिल वाइन उनके ये फैन होंगे। सो ओवरऑल यार सॉन्ग को अगर हम देखें ना, इन 4 वर्स थे आई गेस, और 4 वर्स में डिफरेंट चीजों की बात हो रही थी। पहले अपनी माँ के क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, उसके बाद अपने हालात के बारे में बताया कि हमारा घर कितना था और किस तरह सोचते, फिर उन लोगों के बारे में बात की है कि जो लोग बात करते हैं रिलीजियंस वगैरह के हिसाब से, फिर लोगों के लिए एडवाइसेस दी हैं अपने फैंस के लिए कि आज के बाद ये सब कुछ करना और ड्रग्स से दूर रहना, और फिर हैटर्स को मैसेज दिया है कि आज तो कुर्सी में पढ़ता हूँ ताकि तुम लोग दूर हट जाओ, और फिर लास्ट में अगर मैं मर जाऊँ मेरे गाने फिर भी आएंगे। हाँ, ये बात भी थी। सो बहुत ही फिट रैपर है एमसी स्टेन, और इवन नाम ने स्टार्ट में जो बात कर दी थी कि तलंजुम ने भी इवन 9 MM जो उनका रिसेंटली सॉन्ग रिलीज हुआ था उस पर एमसी स्टेन को शाउट आउट दिए थे इवन। सो सॉन्ग वाज सुपर, बहुत ही फिट था और मैसेज बहुत ही बड़ा छुपा हुआ है, और हर एक चीज को एक किस्म का मतलब लपेट दिया है हर एक चीज को, और बता जिंदगी से स्टार्ट किया था और अपने मतलब मरने पर वो खत्म कर दिया था। बिल्कुल अपनी लाइफ का एक किस्म का जो इसने लाइफ में करने वो सब चीज बता दिया था। सो ओवर सॉन्ग वाज फिट, और गाइस दिस इज द रिएक्शन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें इस वीडियो को, इस वीडियो पर कमेंट करें और हमें बताएं कि हम बाकी किस सॉन्ग पर रिएक्ट करें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।